युधिष्ठिर को कलयुग का पूर्ण आभास था। कहानी में आप सभी का स्वागत है। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एक द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव को आकाशमंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन विचार आया कि इन पांचों में से बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के चार कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। पहली शर्त, महल में चार कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसका सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहाँ जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखता है कि तीन कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से ही भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान कहता है, क्या देखा आपने? भीम, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आया, बोला मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में दो फसल उग रही थी, एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा। अजीब लगा पर कुछ समझ नहीं आया, वापिस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया, बोला मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह द्वार पर आया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गायें बच्चियों का दूध पीती हैं, यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया। सहदेव आया, बोला मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है, वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला, एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है, समझ नहीं आया। वह वापिस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई, वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा तब दरबान ने बताया वो शर्त अनुसार बंदी हैं।
युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर क्षुद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसी तरह सहदेव को भी छोड़ दिया। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।